मॉर्निंग क्लास फर्स्ट। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, खूब आपने दिवाली में एंजॉय किया, अच्छे से खूब दिवाली मनाई। आशा करती हूँ कि सभी बच्चों ने खूब मजे किए होंगे। तो बेटा, आज मैं आपके लिए एक मैजिक ट्री लेकर आई हूँ, जो कि सभी बच्चे देखेंगे कि कितने आसानी से बना पा रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए बच्चों हमने कलर्स ले लिए हैं, मैंने कुछ यहाँ पे वाटर कलर भी लिए हैं, ठीक है। और ये मैंने बर्ड्स लिए हैं थोड़ी सी, और यहाँ पे ब्रशेस ले लिए हैं। ये देखिए, मार्कर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप स्केच पेन, जेल पेन, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो ले लिए हैं। एक आप इस तरीके से रबड़ बैंड ले लीजिए, आपके पास छोटा हो तो छोटा ले लीजिए, क्योंकि मेरे पास छोटा नहीं था इसलिए मैंने ये बड़ा ले लिया। तो बच्चों चलो हम स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले अपना मार्कर लिया, और ये देखिए बिल्कुल ही आज आपको मैं आसान तरीके से ट्री बनाना सिखा रही हूँ। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हमने इस तरीके से अपने मार्कर को रखा, और ये देखिए इस तरीके से एक, जैसे भी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाए आपकी लाइन, कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से आप अपनी लाइन को डालेंगे। फिर हम दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से अपनी लाइन को ले जाएंगे, और ये देखो यहाँ से इस लाइन को इस तरीके से डबल कर दो, फिर यहाँ पे एक और लाइन कर दो, मतलब इस लाइन को आप कहीं पर भी ले जाओ, इसमें कोई आपको कोई दिक्कत नहीं है कि कोई लाइन आपकी छोटी हो रही है, बड़ी हो रही है, कहीं से कट रही है। बेटा अपनी लाइनें किसी भी तरीके से आप पेड़ की फॉर्म में जहाँ आपका दिल करे वहाँ पे आप इस तरीके से अपनी लाइनों को ले जा सकते हैं। देखा ना एक तरीके से कैसे लग रहा है, जैसे आप जादू कर रहे हैं, कि जादू करते करते हमारा ये टीवी देखो बनके इस तरीके से कंप्लीट हो गया। इसकी शाखाएं आप इधर भी मोड़ तोड़ दो, कहीं पर भी उल्टी सीधी, जैसे भी आपका दिल करे इस तरीके से बच्चों आप इसको बना सकते हो, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये आपने बना दिया, अब आप क्या करेंगे बेटा? आपको पता ही है कि नीचे ट्री में कौन सा कलर होता है, ब्राउन कलर। तो आप यहाँ पे सबसे पहले अपने ब्राउन के इस तरीके से दो शेड ले लीजिए। मैंने भी बच्चों देखो दो शेड ले लिए हैं। तो हम क्या करेंगे, जो थोड़ा सा डार्क शेड है ना बच्चों, उसको मैंने इस तरीके से देखो ये साइड पे करना स्टार्ट किया, देख लिया इस तरीके से, ठीक है। मुझे आशा है कि ये हर बच्चा बहुत ही एंजॉय करके इसको बना लेगा। इसमें आपको पेंसिल से भी बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको पेन से जैसे मर्जी उल्टी सीधी लाइनें ऊपर की तरफ बस आपको लेके जानी है, इसी चीज़ का ध्यान रखना है। ये देखो बेटा इस तरीके से मैंने इसको किया है, ठीक है। अब आपने दूसरा कलर ले लिया वही ब्राउन शेड का, अब आप इसको देखो, मैंने आपको पहले भी सिखाया है कि अगर आपका पास बड़ा कलर है तो आप उसको तोड़ के छोटा कर लीजिए, और इस तरीके से देखो इस तरीके से आपने पकड़ना है, और इस तरीके से देखो आपने इसमें कलर करना है। देखिए बेटा, एक तो इससे काम आपका जल्दी होता है और एक जैसा हो जाता है सारी शीट के ऊपर, ठीक है। और जहाँ आपको लगे कम जगह है वहाँ पर आप इसको सीधा कर लीजिए, जैसे यहाँ ये लाइन्स आपकी पतली हैं तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसको पतला कर लीजिए, खड़ा कर दीजिए इस कलर को अपना, ठीक है। तो वहाँ पे वो पतली जगह में भी कम जगह में आपका आराम से कलर हो जाएगा, देख रहे हो बेटा। इस तरीके से आप इसमें कलर करते चले जाएंगे, बस यही कोशिश करेंगे बेटा कि आपका कलर बाहर ना निकले।
इसमें आप ऐसा मत सोचना कि आपकी लाइनें टेढ़ी हो रही हैं, कि इधर जा रही हैं उधर जा रही हैं, नहीं, बस ये ध्यान रखना कि सारी लाइनें आपके ऊपर की तरफ हों और जाए जहां मर्जी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आपकी लाइन कोई टेढ़ी हो रही है, इधर जा रही है उधर जा रही है, उसकी कोई वो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब देखो बच्चे इसमें क्या कर सकते हैं आप इसमें, और अभी मैं आपको देखो थोड़ा सा एक शेड और इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा एक शेड और मैंने यहाँ पे इसमें डाल दिया है बेटा। इसको जहाँ भी आपको लग रहा है कि वाइट वाइट है, आप उसको अच्छे से स्प्रेड करो। थोड़ा सा ब्लैक कलर ले लिए, उसमें हल्का सा हम कहीं पे भी थोड़ा सा ब्लैक शेड दे देंगे, ठीक है, इस तरीके से, ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा, ठीक है। अब फिर से हम अपना वही कलर इसमें एक बार फिर से ऊपर से इस तरीके से थोड़ा सा इसको मैश करने के लिए, अच्छे से ये मिक्स हो जाए, इसमें मर्ज हो जाए अच्छे से। ठीक है बच्चों, ये हमारा एक ट्री का बेस बनके बच्चों कंप्लीट हो गया। अब देखो बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये मैंने कलर्स ले लिए हैं, ठीक है, तो इस कलर को मैं, ये देखो दो तीन कलर मैं यहाँ पे ओपन कर रही हूँ, और इसको देखो इस तरीके से खोल कर बच्चों मैं यहाँ पे ऐसे ब्रश से निकाल दूंगी, या आप चाहो तो, आपके पास ब्रश नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपनी पेंसिल से भी निकाल सकते हैं, जो आपकी पेंसिल हो उससे निकाल लीजिए इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से दो कलर मैंने निकल गए, ठीक है बेटा, और मैं एक दो कलर और निकाल लूंगी, इस तरीके से ये मैंने कलर्स निकाल लिए बच्चों। अब ये देखो जो मैंने ये बर्ड्स ली थी, आपको मैंने बर्ड दिखाई थी ना बेटा, ये देखो ये बर्ड मैंने इस तरीके से इकट्ठी की सारियों को, और इसके ऊपर हमने क्या करना है, अगर आपके पास छोटा रबर बैंड है तो आप छोटा इसके ऊपर करना। देखो बच्चों इस तरीके से ये हमने इसका बंच बना लिया, आप चाहो तो इसमें एक ग्रीन कलर और डाल सकते हैं अपना, इस तरीके से आप देखो थोड़ा सा इसमें ग्रीन कलर भी ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है बेटा। अब आपने क्या करना है बच्चों, इसको लेना है, ये देखो इस तरीके से हम रखेंगे इसको, और ये दो कलर के बीच में इस तरीके से ऐसे डिप करेंगे, तरीके से आपने इसमें अपने कान को करना है। अगर आपको लगता है यहाँ से थोड़ा सा खराब हो गया, फिर से आप इसको दूसरे कलर में डिप कर दीजिए।
देखा बेटा आपने, इस तरीके से आप क्या करेंगे, ये देखो आपका ये ट्री हो गया। नीचे आप इसमें हल्की सी थोड़ी सी ग्रास भी दिखा सकते हैं, इस तरीके से आपने इसमें बना के और इसमें थोड़ा सा ग्रीन कलर का शेड दिया। तो देखा बच्चों आपने किस तरीके से आपका ये सुंदर सा ट्री बनके तैयार हो गया है। अब मेरे को आशा है कि आप सभी इसको बना के एंजॉय करेंगे और अपने ग्रुप में विद नेम इसको सेंड करेंगे। थैंक यू।